And now we are entering Lahol, exiting the Atal Tunnel. It's like 13.5 degrees Celsius. So exactly 1.5 hours from my place. It's the time to actually come and enjoy the place. So plan हमने ऐसा बनाया है, हमने क्या, मैं अकेला ही हूँ तो मैंने ही बनाया है कि चलते हैं कुंजुम वाली साइड पे. अभी तक तो यार स्पोर्ट मोड में ही चला रहे हैं बाइक को, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड वाली रोड है यहाँ पे, फुल ऑन मज़ेदार. अरे सर बार बार आगे यहीं करा लो ना. तो अभी हमने जस्ट 50 रुपए की पेमेंट दे दिया, अभी ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है. यो, इस रोड में अगर आप कुंजुम वाली साइड जा रहे हो तो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक एंट्री हो सकती है उस साइड पे, उसके बाद इट्स नॉट अलाउड. और यार क्या ट्रैफिक जैम आ गया ये. ओ माय गॉड, टाइगर स्ट्रक बिटवीन द शीप्स, करना क्या भाई. हट जा भाई प्लीज यार. एज आई से, दिस इज मच बेटर देन गेटिंग स्टक इन गुड़गांव, द एंडलेस ट्रैफिक ऑफ गुड़गांव. दिस इज समथिंग दैट आई वुड प्रेफर टू गेट स्टक इन एवरी डे. अब ये वाला एरिया शैडो में है, उधर आ रही है धूप. इस शैडो वाले एरिया में ऊपर एक छोटी सी वाटरफॉल बह रही है, आई एम प्रीटी श्योर वो गोप्रो से नहीं दिख रही, बट ये चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए ना आपको यहाँ आना ही पड़ेगा. ये आप वीडियोस देख के मजे नहीं ले सकते, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया ले लो कि यहाँ क्या क्या दिखेगा, बट यहाँ आओ यार, यहाँ आने का एक अलग ही फन है. दिल तो कर रहा है सब कुछ छोड़ के सीधे काजा पहुंच जाऊं एंड एक नाइट स्टे कर आए काजा में, बट भाई घर भी जाना है. वाओ, दिस इज जस्ट अल्टीमेट फन. सामने का व्यू देखो, क्या मस्त वाटरफॉल आ रही है ऊपर से, कहीं रोहतांग पे ऊपर से, मजेदार. दिस इज द फीलिंग दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स गाइस. राइडिंग योर ड्रीम मोटरसाइकिल द ट्रायंफ टाइगर 900 रैली प्रो इन द लाहौल वैली, गोइंग टूवर्ड्स कुंजुम पास ऑन अ वीकेंड, ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग, 8:40 AM right now. The valley is just looking stunning, and so is my motorcycle. This is just pure bliss. This is what I call as life. Just so much fun. So यहाँ पे कह रहे हैं एंट्री करने को, गाड़ियों को तो कह रहे हैं 9:30 के बाद जाने देंगे, पर बाइक को शायद जाने दें, किस्मत देखते हैं अपनी कैसी रहती है. 623 DL हो गए हैं अपने मजे, क्योंकि बाइक्स को जाने दे रहे हैं, गाड़ियों को रोक दिया है 9:30 बजे तक. सो अब हमें जाना है लेफ्ट, यहाँ से चंद्रताल इज 61 किलोमीटर्स. यस, दिस इज द लेफ्ट दैट वी नीड टू टेक. और यहाँ पे हमें आप डालना पड़ेगा अपनी बाइक को ऑफ रोड मोड में. चलो भाई, राइडिंग मोड्स ऑफ रोड थ्रो, ठीक है. ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल्ड. सो दिस कंप्लीट रूट इज लाइक दिस, दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड. किया नहीं है कभी, जब भी पिछली बार स्पीति आया था, विंटर स्पीति किया था, तो उस समय कुंजुम पास एंड दिस रूट टू मनाली वॉज ब्लॉक्ड. दिल्ली वाली गाड़ी चल रही है अपने सामने, दिल्ली से हूँ. ओके, लेट इट बी. फुल ऑन ऑफ रोडिंग, कैसी लग रही है आपको ये बताओ, मेरे को तो आ रहे हैं मजे अभी, मजेदार चल रही है बाइक. थोड़ा सा राइजर्स की जरूरत है मुझे. सो दिस गाइज इज आर फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग ऑन द टाइगर 900. शगुन हो गया है हमारा पहली वाटर क्रॉसिंग का. सामने देख भाई, निकाल दे. ओला मस्त मस्त मस्त, स्लो स्लो चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है. इजी 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 इजी. ये बंदा क्या रोक के खड़ा हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रही. ओ पैर दी तेरी, पानी था यार इसमें, पानी घुस गया थोड़ा सा पैरों में. रुकने का नहीं है भाई, रुकने का नहीं है, अगर रुके
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सीधे सीधे मोमेंटम बनाओ। पानी तो है वाटर क्रॉसिंग में, अब ये तो सिंपल ही लग रही है, इसमें कुछ खास लग नहीं रहा, इसमें कुछ आई थिंक प्रॉपर रोड ही बनी हुई है इसमें तो। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे जो फॉर्मा ADV राइडिंग बूट्स हैं उसकी ना वाटर प्रूफिंग थोड़ी सी कम हो गई है। जो फर्स्ट वाली क्रॉस करी थी ना हमने, बड़ी वाली, उसमें थोड़ा सा पानी चला गया है यार पैरों में, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। खैर दो भाई, सीधी सीधी आओ। ओके थोड़ी सी बॉडी में ना वो टाइटनेस है अभी, नई बाइक है ना तो वो लूज़ नहीं रहती बॉडी इतनी ज़्यादा, थोड़ा सा आदत लगेगी अभी तो सब सही होगा। गो वेयर यू वॉन्ट टू गो, फोकस 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 फोकस। ओ तेरी, सो गाइज ये है फुल ऑफ रोड, यहाँ पे हो रही है पूरा ऑफ रोड राइडिंग टेस्ट। ये ऊपर नीचे वाली सिचुएशंस एक दो बार आ चुकी हैं, किस तरह से मैनेज करा है, टिप ओवर होने से बाइक को बचाया। सो दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना थोड़ा सा रास्ता आगे ब्लॉक हुआ पड़ा है। राइट बिहाइंड मी यू सी दैट सीनिक वाटरफॉल, एंड उसके जस्ट आगे मुझे अभी बताया है यहाँ पे लोग जियो फाइबर का काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई पड़ी है जिसके कारण रूट ब्लॉक्ड है। थोड़ा टाइम लगेगा क्लियर होने में, दैट इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं 3-4 घंटे यहाँ वेट करूँ एंड कुंजम माता मंदिर वहाँ पहुँच के, जो 2 घंटे अभी यहाँ से है, वहाँ से फिर वापस आऊँ। सो आई हैव टू यू नो स्टॉप हेयर। सो दैट इज़ वेयर आर टाइगर इज पार्क्ड। इट्स जस्ट लुकिंग अमेजिंग, performing very well so far. The suspension, you know, the Showa suspension is working like a charm. Ab yahan se hum lenge U-turn and we'll head back on the 4-5 water crossings that we have to cross again. So this is where we are turning. The ride till the Kunzum Mata Mandir was not possible today just because of that road blockage. ऐसा मैंने सुना था थोड़ा काम चल रहा है, बट वो लैंडस्लाइड शायद अभी भी प्रॉपर ढंग से क्लियर नहीं हुई है। बट एनीवेज इट वाज अ फन राइड लाइक यू सॉ, थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग्स भी करने को मिल गई। अभी वो 4-5 क्रॉसिंग्स फिर से आएंगी जो फिर से करनी है अपने को। सो वी विल गो थ्रू दिस स्ट्रीम, सैडल इट आउट, वाह उछलता हुआ पानी, एंड रैली प्रो पे सैडलिंग, वाह पत्थर आ गया एक मोटा। स्लो स्लो स्लो, ना 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 ना, वाह हाँ स्लो स्लो स्लो, निकाल निकाल निकाल, ओ भैया मोटा पत्थर रुक गया ना बीच में, ये पंगा हो गया। कुछ ज्यादा मेजर था नहीं है, छोटा मोटा छप्पड़बाजी हो रही है। ओ बैण दी, चल 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 चल, थोड़ा सा चढ़ाना पड़ेगा ऊपर, चढ़ा 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 चढ़ा। अरे यार ये कहाँ रुक गया यार, मैं कि नहीं आ पाऊंगा, आप काफी आगे आ गए, वो वहां खड़ा है। चल 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 चल, ये साला सामने गाड़ी ने आके रोक दिया ना, वो एक फ्री एरिया खत्म हो जाता है जिसको क्रॉस करके बंदा टेंशन फ्री ब्रेकिंग ले सकता है। बट ये लोग बिल्कुल वाटर क्रॉसिंग पे आगे रोकते हैं, इनको पता पता है नहीं सालों का।
We are back on tarmac now. We have stopped at this beautiful location. आप देख ही रहे होंगे पीछे कितना amazing waterfall है जो रोहतांग से बह रहा है. And I parked my bike here. It was, I think, a good 1.5-hour, 2-hour ride on proper लद्दाखी और स्पिति terrain. Proper एक curtain raiser मिल गया मुझे. Tiger 900 को कैसे manage करना है? तो थोड़ा सा आई जस्ट वॉन्टेड टू कैलिब्रेट माई सेल्फ विद द ऑफ रोड टेरेन. सो बाइक हमारी खड़ी है सामने वाटर क्रॉसिंग के विद द बैकग्राउंड ऑफ द वाटरफॉल. सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं. सही हमारा अट्रैक्शन बन चुकी है टाइगर 900. दिस इज आर मैगी एंड दैट इज आर व्यू ऑफ द वाटरफॉल. क्या अमेजिंग जगह है यार. मतलब ये तो बिल्कुल एक हाईलाइट पॉइंट है इस पूरे हाईवे पे. बाय बाय दिस स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल. इसका हो गया. बहुत सारी फोटोग्राफी वगैरह कर ली यार. काफ़ी टाइम निकाल दिया यहाँ पे. एंड बाइक यहाँ पे एक पार्क करी थी. सब लोगों ने फुल टू एंजॉय किया यार मेरी बाइक पे. पता नहीं 15-20 लोग फोटो खिंचवा के चले गए. आई होप यू गाइज इंजॉयड दिस शॉर्ट ऑफ रोड राइड टुडे. प्लान तो हमारा थोड़ा लंबा चौड़ा था बट हो नहीं पाया क्योंकि हमारी प्लानिंग इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं थी. आगे थोड़ा सा लैंडस्लाइड था जैसा मैंने आपको बताया. उसको क्लियर होने में टाइम लग रहा था. ये इसको फिर कभी करेंगे. बट आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव था टेस्टिंग का वो मस्त हुआ. रैली प्रो पे थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस हल्का सा बढ़ेगा धीरे धीरे ऑफ रोडिंग करके.